Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got. चले चलते फिर अपन लोग यार आगे श्री राम जय भोलेनाथ अपन निकलते हैं अब आगे काफी देर एंजॉय कर लिया यहां पे नीचे पानी में जाके पानी इतना ठंडा है भाई ये बात है ये तो चाहिए था ये नजर आ रहा है ये देखो भाई पूरा इसे बोलते हैं व्यू यहां पे लिखा था बीआरओ ने अगर इंश्योरेंस खत्म हो जाए तो ही आप धीरे चलें इसी को वर्ल्ड का डेंजरस रोड नहीं कहा जाता हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना और आगे खूबसूरत माला ये बेसिकली इसकी कुछ मान्यता होता है यूटर्न है नहीं यूटर्न तो है लेकिन ये जो ग्रीन जो ये जो बांधते हैं ना बेसिकली हाँ। जो बुद्धिज्म धर्म में इसका कुछ मान्यता है बिल्कुल होगा भाई ऐसा नहीं है हां नहीं पूरा है पूरा बर्फ है पूरी वाइट है एकदम अभी वो वही कह रहा था ना बर्फ के लिए भाई थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा जाएंगे वहां भी जाएंगे ट्रैकिंग करेंगे नहीं तो हां जिसके लिए आए वो तो करेंगे भैया जिस चीज के लिए वो नहीं करोगे तो क्या फायदा बंदे शक्ल नहीं दिखो बहुत ही टफ रोड है बहुत ही टफ रोड डेंजरस लेफ्ट साइड में कोई भैया साइन ही नहीं है जबकि होना चाहिए ये रोड देख रहे हो आप ये रोड बहुत भयंकर है यार ये पता है एक्चुअली अगर आप सामने देखो ना तो जो पूरा पहाड़ है पूरा का मिट्टी का पहाड़ है एक तरीके से मिट्टी है अगर हल्की सी भी मिट्टी खिसकती है तो ऊपर से पूरा पहाड़ नीचे समझो लेकिन कुछ भी कहो ये सामने के जो नज़ारे हैं इसके लिए ही हम यहां पे आए हैं एक्चुअली जब हम वहां से निकले दिल्ली से उस टाइम पे हम एक्चुअली यहां पे हम पहली बार आए हैं इस लोकेशन पे तो अब लग रहा है कि यार अलग ही जगह है जब तक हम घूमे नहीं थे बिकॉज़ हम उत्तरांचल हिमाचल गए हैं बट वो सब बहुत ग्रीनरी एरिया था वहां पे पहाड़ थे लेकिन बहुत ग्रीनरी बहुत सारे पेड़ पौधे थे बहुत सारे मतलब अलग-अलग तरीके के लोग थे नदियां थी जंगल थे हरियाली थी बहुत सारी बर्फ नहीं थी लेकिन यहां पे जब आ रहे हैं तो पहाड़ तो यहां पे भी हैं लेकिन अगर आप देखो ना ऊपर से तो
पूरे पहाड़ नंगे हैं भाई, कुछ है ही नहीं देखने के लिए। और यहाँ के रोडें, ये रोड बहुत खतरनाक है, हद ही खतरनाक है, भयंकर खतरनाक है। भाई लोग क्या लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ब्रो रीच होम इन पीस नॉट इन पीसेस सो ड्राइव सेफ। ये आप लोकेशन आप देख ही रहे हो कितनी औसम है। एक्चुअली क्या इस रास्ते पे जो मैंने फील किया वो ये कि एक्चुअली ना इस रास्ते पे क्योंकि पेड़ पौधे और कुछ नहीं है, मार्किंग ऐसी आपकी आंखें ना एक ही जैसी चीज़ देख रही हैं चारों तरफ, तो हल्का सा ना आलकसपन आ जाता है इस रास्ते। भाई अगर आपके साथ कोई बैठा है या अकेले आ रहे हो तो बहुत संभल के आना, गाने वाने चलाते रहना, और अगर कोई है साथ में तो उसके साथ बात करते रहो, वरना आपको हो सकता है नींद आ जाए। क्योंकि यार एक जैसे रास्ता है पूरा का पूरा, मतलब आपको एक ही जैसा व्यू दिख रहा है ना चारों साइड, तो जो जैसे हिप्नोटाइज होता है ना वो ही हो जाएगा, ऐसा लग रहा, ऐसा लगता रहता। मतलब एक ही जैसी चीज़ देख रहे हो, एक ही रोड सामने पूरा पीला पीला हर चीज़ जो ये मिट्टी के कलर की है वैसी, तो थोड़ा सा ड्राइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप अकेले हो तो साथ में कोई हो तो उसको बोलो भाई बात करते रहो, गाने सुना दो, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो भाई, जो ये रास्ता स्टार्ट हुआ है ना उस पुल के बाद, भाई ये नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। जिसको पहाड़ में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है ना वो इधर बिल्कुल मत आओ भाई, सोचो भी मत आने की, ये अलग ही लेवल है भाई यहाँ पे गाड़ी चलाने का। जितना भी तुरमखा आप समझते हो अपने आप को, यहाँ आगे फट जाएगी। मस्तीबाजी में तो बिल्कुल मत आओ, नहीं तो पीछे मैंने बोर्ड दिखाया था ना वो क्या लिखा था उसके अंदर, गो होम विथ पीस नॉट इन पीसेस, वो ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगली बार जब मैं आऊँगा तो भैया यहाँ पे अपनी गाड़ी से आऊँगा, अभी तो क्या मतलब नई वाली गाड़ी से जो भी लेंगे हम उससे आऊँगा, और वो भी चकाचक रखूँगा उस गाड़ी को, तब कोशिश करूँगा इनोवा लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे टोयोटा पे शुरू से ही भरोसा है। टोयोटा जैसा ब्रांड नहीं, उसका इंजन, उसका भाई पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, और बहुत मेहनत से बनाते हैं यार वो तो गाड़ियाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। महिंद्रा और बाकी जो टाटा पाटा डाटा लाटा साटा जितने भी है ना, ये सब बस कमाने के लिए बैठे हैं, फीचर्स देते हैं, कैमरा वैमरा लगा देते हैं अंदर भैया, और बस लोग उसी से खुश हो जाते हैं, इंजन से कोई पूछता नहीं इंजन का लेने देने का है कि नहीं। ये व्यू देखो तुम बर्फ का भाई, यही तो देखना है, काश ये बगल वाला पहाड़ी बर्फीला होता, मजा आया था भाई को। ये बीच में जो पैचेस है ना, ये लैंडस्लाइड की वजह से टूटे हुए, ये बने हुए थे ना पहले तो, ये अलग ही है भाई ये लेवल। यहाँ पे बर्फ ज्यादा है उसके मुकाबले, काफी ज्यादा, वहां पर फिर उसमें थी बिट्स एंड पीसेस में, यहाँ पे तो पूरी है, पर लेकिन अब तक यहाँ पे साइड में नहीं है, जैसे वहां पे साइड में आ गई थी ना बर्फ रिकॉम की वजह से पहले, और क्या जाएगा नाम था उसका, शिमला से आगे नारकंडा, हाँ नारकंडा के पास में भी बर्फ आपको दिख गई थी रोड के बगल में, यहाँ पे वो नहीं दिख रही, जबकि सामने बर्फ का जो पहाड़ है जो बर्फ है नज़दीक बिल्कुल। भाई इधर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती होंगी ना ऊपर में है तो पिघल चुकी होंगी, सामने वाले पहाड़ भी दिख रही है बर्फ, लेकिन वो वाली बात इतना नहीं है।
विलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भैया ये रास्ता भाई बिल्कुल छोटा रास्ता बिल्कुल छोटा है, मैं वीडियो नहीं बना सकता, गुरु तो बनाई दूसरे हाथ से भाई थोड़ी सी देख के भाई देख के भाई इतनी छोटी रास्ता भाई एकदम ऐसे टिच्चू सी रास्ता है एकदम। सामने से गाड़ी आ जाएगी तो बचेगी कैसे भाई? हाँ सामने से गाड़ी आ जाएगी तो बचेगा कैसे आदमी? और यहाँ पे भाई रहने को क्या क्या ही होगा? एक गेस्ट हाउस सामने से पूरा भाई हुआ है है जगह वो पूरा जगह रहने का भाई जगह रहने की यहाँ पे सारे पत्थर के घर यहाँ पे मोड़ने में भी लेंट लग जाएगी गाड़ी को इतनी बड़ी गाड़ी को आके भी छोड़ दो। जिस घर के सामने का जो है ना पहाड़ी का बिल्कुल यहीं पे कहीं पे यहाँ पे बस तो होना चाहिए दूसरी गाड़ी निकल जाए।